गुड मॉर्निंग। सुबह के तकरीबन 8 बज रहे हैं। मैंने कुछ ये मेरा कुछ वेस्ट है बिज़नेस का, कुछ यार्ड वगैरह क्लीन किया था, तो ये सब जो है ना मैं अपने वर्क वैन में इसको फेंकने के लिए जा रहा हूँ। अब यहाँ पे ऐसा तो होता नहीं कि ग्राउंड में जाकर डाल दिया, तो ये प्रॉपर जगह जो है ना उस पर इसको वेस्ट करना पड़ता है, डिस्पोज करना पड़ता है। इसके अंदर मेरा ये पैलेट का बिज़नेस है, उसका कुछ सामान है, कुछ लगेज का है, कुछ यार्ड वेस्ट है इसके अंदर, जो लॉन वॉन की ग्रास होती है या कोई एक्स्ट्रा पौधे वगैरह जो होते हैं, तो ये सब जो है ना मैं इसको डिस्पोज करने जा रहा हूँ अभी सिटी के अंदर, जो इनके जो वेस्ट मैनेजमेंट के जो सेंटर होते हैं कम्युनिटी रिसाइकलिंग, वहाँ जा रहा हूँ। इस वक्त मैं काफ़ी सारा सामान हो गया, मुझे जॉब पे भी निकलना, लेकिन सुबह का टाइम है तो मुझे पहले ये करना था। यहाँ पर आ गया हूँ, ये बैटलफोर्ड कम्युनिटी है, यहाँ पर साइकिलिंग सेंटर, यहाँ पर साइकिलिंग होती है। ये पूरी सिटी की तरफ से है ना एक बहुत बड़ी फैसिलिटी है, तो यहाँ पर जो भी आपका जो घर का जो फालतू सामान है, कचरा है, जो भी आप समझ लें, आप जो कंस्ट्रक्शन है घर में, रिनोवेशन हुई है, यार्ड है, कोई भी मतलब एक्सपायर, आप जो समझ लें जो आपका फालतू सामान है या गार्बेज है, तो आप यहाँ पर आकर उसको डिस्पोज कर सकते हैं। मैं यहाँ पर अभी आया हूँ, आगे जो है ना यहाँ पे इनका एक स्केल होता है, गाड़ी का वेट करते हैं, तो जिस वक्त गाड़ी का वेट अंदर जा रही होती है और जब बाहर आ रही है जो उसको उससे माइनस कर देते हैं, जो वेट निकलता है इन एंड आउट पे वो आपको पे करना पड़ता है। मैं आ चुका हूँ सिटी के अंदर और यहाँ पे सारे जो है ना ये डिफरेंट, मैं इससे पहले भी मैं एक वीडियो बना चुका हूँ, दोबारा मैं बनाता रहता हूँ। ये साइकिल्स वगैरह डिस्पोज की हुई हैं, अप्लाइंसिस वगैरह है। ये जहाँ पर मैं आऊँ ना, ये वुड का बेन है, ये सामने ये सारा ये वुड का बेन है, आगे मेटल है, तो ये सब चीज़ें इस तरीके से यहाँ पे पूरा जो है ना ये सब डिस्पोज होता है यहाँ पे। तो मैं अभी पीसेस ऑफ वुड जो है ना इसको यहाँ मुझे इसके अंदर बिन में थ्रो करना है, एक एक करके इस तरीके से सारा ये सब जाता है भाई। ये वुड तो हमने कर ली है, सारे निकाल लिए। अब मेरे पास ये लगेज वगैरह, ये हार्ड प्लास्टिक वगैरह, तो मुझे जो है ना वो उसको हार्ड प्लास्टिक के बिन में ड्रॉप करना हो। ये सारा वुड का था, ये सब हो गया। ये हमारे पास एक प्रिंटर था, ये सारा जो ना चला गया इसके अंदर, हाँ इलेक्ट्रॉनिक्स यहाँ पे जाते हैं। ये जो है हार्ड प्लास्टिक है, सारा हार्ड प्लास्टिक है यहाँ पे। ये जो है रिसाइकलिंग है, गत्ते वगैरह जो होते हैं, ये लिखा हुआ भी है इसके ऊपर। मैं यहाँ पे ना कार्डबोर्ड वगैरह कुछ मेरे पे डाल देता हूँ। तो ये सारा जो है ना प्रॉपर बिन्स के अंदर डिस्पोज करना पड़ता है, और इसी तरीके से सारे मामला चलता है यहाँ पे। सिटी की तरफ से जो गार्बेज आता है ना, वो एवरी वीक के अंदर आता है, लेकिन वो अगर आपके पास उसकी एक लिमिट होती है, तो ये लिमिट से क्रॉस कर जाएगा, फिर आपको खुद ही डिस्पोज करना होता है इसको। तो ये सारा जो है ना ये गार्बेज के अंदर जाएगा, ये सब गार्बेज में जा रहा है सारा। ये सारा गार्बेज कर देना है सब, ये और ये भी सब जो है ना सारा मुझे गार्बेज में फेंकना है। चलो भाई, अब ये बड़ा एक बिन है, इसको थ्रो करना है। ठीक है, सब अंदर सारा सामान, ये है वेस्ट यानी गार्बेज। तो भाई ये हमारा ऑलमोस्ट सारा हो गया, बस सिर्फ अब ये यार्ड का रह गया, यानी जो घास वास फूस है ना इस बैग के अंदर ही मैंने कुछ ग्रास वगैरह है, तो वो जाएगा सामने यार्ड के अंदर। तो ये सारा यहाँ पे सारा प्रॉपर डालना पड़ता है, ओवर साइज है, रबल कंस्ट्रक्शन वगैरह सामान है, शिंगल्स हैं घरों के जो होते हैं, ये वेस्ट है। इसके अलावा ये सारा जो है ना ये पूरी वो है इनकी। तो ये भाई हमारा आखिरी आइटम रह गया, ये घास पोस जो है इसको फेंकनी है इसको यहाँ पे। ये यार्ड का है, यार्ड वेस्ट ये सारा यहाँ पे है ना, देखो ये पड़े हुए सब। ये तो ये जितनी भी खूबसूरती भाई आपको यहाँ नज़र आती है ना इस कंट्री में, उसकी वजह ये है कि भाई सारी चीज़ें जो है ना वो प्रॉपर फेंकनी पड़ती हैं। अब ये जो है ना ये कैनेडियन टायर है, तो उनका ये यार्ड वेस्ट का ये बैग है, ठीक है। इसके अंदर ये सारा जो ग्रास वगैरह है ये सब निकल काटी है, 3-4 घंटे का काम किया है और कमर की ऐसी तैसी हो गई है। तो ये जो है ना ये यहाँ पर हमने सब डाल देना है, ये बैग यहाँ गया है। तो बस ये सब हो गया सारा। ये मुझे प्लास्टिक के ये फेंकने थे, लेकिन ये
मुझे लगता है शायद मेरे किसी काम आ जाए, कभी कभी गाड़ी के नीचे जाना पड़ता है, तो ये रैंप है बेसिकली गाड़ी के ना, तो ये आगे के टायर पे रख के उसको होता है। ये मेरी वर्क वैन है ये, कभी कभी छोटी मोटी कोई डिलीवरीज होती हैं तो मैं इसके अंदर कर देता हूँ जाके, तो ये काम की मेरी गाड़ी है, छोटे मोटे काम इसके अंदर मैं कर लेता हूँ। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आएगी प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। तो ये द सिटी ऑफ मिसिसागा में कम्युनिटी ग्रिड साइकिल सेंटर, अभी मैं जाऊंगा ये सामने बिहाइंड द फेंस, यहाँ पे जाना गाड़ी का वेट होगा, और जो जब मैं अंदर दाखिल हुआ था उसका वेट और निकलते हुए वेट, जो भी डिफरेंस निकलेगा मुझे उसको पे करना पड़ेगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।